हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं एएच रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेट खली के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई में भले ही इस समय कई भारतीय सुपरस्टार काम कर रहे हैं और कुछ तो काम अच्छा भी कर रहे हैं, फैंस को आज के समय में ऐसा देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भारतीय सुपरस्टार के लिए राह बनाने का काम द ग्रेट खली ने भी किया था। तब ग्रेट खली ने जो काम किया उसे देखकर ही दूसरे सुपरस्टार प्रभावित हुए और उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी में जाने का सिर्फ मन सपना देखा बल्कि इसे पूरा भी किया। द ग्रेट खली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते हुए काफ़ी सफलता हासिल की और इस बीच वो द अंडरटेकर, जेफ हार्डी, जॉन सीना के कैन, रिक फ्लेयर, बजिस्ता जैसे सुपरस्टारों को शिकस्त दी है। बात करते हैं इसके अलावा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले सुपरस्टार हैं भारतीय। उनके योगदान को देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले साल उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया था। इस शो में के जरिए हम बात करेंगे द ग्रेट खली के बारे में, ऐसी बातें बताने वाले हैं जो उनके फैंस जानने को काफ़ी इच्छुक काफ़ी पसंद करेंगे। द ग्रेट खली ने साल 2006 की शुरुआत में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय सुपरस्टार बने थे। इसके बाद 7 अप्रैल 2006 को खली ने मेन रोस्टर में धमाकेदार डेब्यू द अंडरटेकर के ऊपर खतरनाक अटैक करते हुए किया था। द ग्रेट खली ने अंडरटेकर की जो हालत की थी उसे कोई भी नहीं भूल पाया है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में खली ने अपना पहले मैच लड़ा था और फुनाकी को हराया था। हॉल ऑफ फेम द ग्रेट खली की उम्र इस समय 49 है, लेकिन वो इसी महीने 50 साल के हो जाएंगे। उनका जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सफल होने के बाद खली इस समय भारत में अपनी एकेडमी में नए रेसलरों को सिखा रही है। ये एक सवाल है कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। द ग्रेट खली की हाइट 7 फुट 1 इंच है और उनका वजन 157 किलो है। खली के पास सिर्फ अच्छी हाइट ही नहीं थी बल्कि ताकत में भी वो किसी से पीछे नहीं थे। इसी वजह से रिंग के अंदर उन्होंने द अंडरटेकर, जॉन सीना, बजिस्ता जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब